दोस्तों, ये खुमानी का 4 साल का पौधा है और काफ़ी मेहनत के बाद ये पौधा जो है अब फुल फ्रूटिंग देने के काबिल हो गया है। और एक स्थिति ये थी कि जब ये 9 महीने का था तो यहाँ से देखिए 2 फाड़ हो गया था पूरी तरह से, और अब जो है पूरा जुड़ चुका है। और फिर उसके बाद जो है उसकी रिकवरी की वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी। यहाँ पर जो है इसे क्लंप लगाए थे दोनों, और अब पौधा बिल्कुल मजबूत हो गया है। और अगर आप इसकी वीडियो रिकवरी की देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में इसमें ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अब बात आती है इसकी प्रूनिंग की। प्रूनिंग का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, और जितना आप पौधा छोटा रखेंगे, प्रूनिंग करेंगे, उतना ही फल का साइज अच्छा होगा और पौधे के लिए कम नुकसानदेह होगा। अब देखिए, यहाँ से अगर तकरीबन हाइट लगाऊं तो तकरीबन 10 या 12 फीट से ऊपर इसकी हाइट होगी, और कुछ पर देखिए टॉप में है, वहाँ पर भी लगेगी, लेकिन वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा और इसकी और हाइट जाती जाएगी इस तरीके से ऊपर। लेकिन आपने किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, अच्छा पौधा आपने तैयार करना है, क्योंकि लास्ट इसकी एक मेन प्रूनिंग होगी, उसके बाद जो है पौधा उतना ही रहेगा, उससे थोड़ा बहुत ही हर बार इंक्रीज़ करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये 4 साल का पौधा है, ये आपके स्पर हैं, यहाँ पर टहनी आपकी मेन है और इसी में स्पर निकले हैं, ये जो है फ्रूटिंग देगा आपको, और ये जो टहनी है आपकी ये जो है किसी काम की नहीं होगी। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं या फिर यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन ये टहनी बाद में स्पर दे, इसीलिए हम इसको 6 इंच के करीब और यहाँ से इसको इस तरीके से काट सकते हैं। इसमें ये होगा कि अगर फ्रूट भी लगेगा तो उसके वजन से जो है नहीं झुकेगी, तकरीबन 25, 30 या 40 फ्रूट इस टहनी में लग जाएंगे। ये मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि यहाँ से दोबारा मेन टहनी निकलेगी बाद में बरसात के टाइम में, और उसमें दोबारा स्पर निकलेंगे और उसमें जो है आपको फ्रूटिंग लगेगी। और यहाँ पर ही आपके फ्रूट ही हैं, यहाँ पर ही सूख गया तो इसको यहाँ से काट देता हूँ। जो मेन टहनी आपकी जा रही है उसको 6 इंच, और बाकी आप जो है काट सकते हैं इस तरीके से। और ये टहनी आपको नहीं चाहिए तो इस तरीके से काट लीजिए, ये आपका स्पर है। यहाँ पर भी देखिए, आपने एक टहनी छोड़नी है आगे को, ताकि बाद में उसमें जो है टहनियाँ लग सके। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ तकरीबन इतने करके करीब, और यहाँ से इस टहनी को इसको मैं काट दूंगा, और जो दूसरी इसमें स्पर लगे हैं, ऊपर भी लगे हैं स्पर, लेकिन मुझे यहाँ से इसे काटना पड़ेगा, नहीं तो पौधा इतना लंबा हो जाएगा कि फ्रूट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा और बाद में उतारना भी मुश्किल होगा। और एक बात कि जितना आपका पौधा छोटा होगा, जो ग्रोथ है, जो न्यूट्रिशन है, वो पौधे की जो है ऊपर ना जाके सीधा फ्रूट में जाएगी, और फ्रूट का साइज जो है बड़ा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है ज़मीन से जो ले रहा है पौधा, उसकी ऊंचाई भी खाएगी, पूरा ग्रोथ जो है ऊंचाई में जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत तो जो जो फल का साइज होगा वो भी छोटा ही रहेगा। इसमें जो आपको सूखे हुए लगते हैं उनको आपने बिल्कुल निकाल देना है बिना किसी परामर्श के। यहाँ पर देखिए, इससे 1 साल की ग्रोथ है आपकी, यह यहाँ से लेके ऊपर तक, तो मैं यहाँ से तकरीबन 6 इंच ही लूँगा। और स्पर आपको कितना बड़ा चाहिए तो आप पे डिपेंड करता है, तो मैं छोटा लूँगा, और यहाँ पर भी 6 इंच, ये वाली टहनी भी। देखिए, इसकी ग्रोथ तकरीबन तकरीबन 7 से 8 फीट जो है ऊपर जा चुकी है,
तो इसको भी काटना पड़ेगा मुझे। तकरीबन 8 फीट है, 7 फीट के करीब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक स्पर थे, उसके बाद ये खाली था आपका। यहाँ पर एक स्पर है जहाँ पर फ्रूट लगेगा, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये ग्रोथ जो है इस तरीके से ऊपर जाती है। बाद में जो है बरसात में फलों से टहनियाँ भी टूट सकती है, तो इसलिए इसकी जो प्रूनिंग है वो हैवी प्रूनड प्लांट में आता है। देनी बे, दे और ले आऊंगा तुझे ना। हुई है बे, चलिए पर भी। कैंची चलाने की प्रैक्टिस चाहिए इसमें। धीरे धीरे आँख बन जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो सूखी टहनियाँ वो भी निकाल देनी है, जो डैमेज हो रही है उनको भी। तब तो अगली बारी मैं भी कर सकता ही। ले आएगी टूटियाँ 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 तो दोस्तों प्रूनिंग हो चुकी है। और तकरीबन आप देखिए ये जो हाइट मैंने ऊपर से काटी हुई है टॉप पे, और तकरीबन 7 फीट हाइट है इसकी। और इसी तरीके से ये भी काटे हुए हैं। काफ़ी हैवी प्रूनड प्लांट है खुमानी, आड़ू, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, उस पार जो है तकरीबन वहाँ से लेके यहाँ पर लगे हुए हैं। बाद में जैसे पौधा झुकेगा या कहीं से टूट भी सकता है ज़्यादा वजन से, क्योंकि कमज़ोर होगा था ना। और इस टहनी में देखिए आप, जो मेरे पास ये वाली टहनी है, यहाँ पर ऊपर टॉप में लगी हुई थी, तो यहाँ पर देखिए कितने स्पर हैं, कितने, और पीछे बिल्कुल नहीं है। तो जब यहाँ पर फ्रूट लगेंगे तो जाहिर सी बात है वैसे झुकेगी, टहनी को वजन डालेगी। और सभी टहनियाँ जब पत्तों का वजन होगा, फ्रूट्स का वजन होगा, बरसात में पानी का साथ उसका वजन होगा, तो हवा से जो टूटने का खतरा रहता है, इसलिए प्रूनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपने ब्लाइटॉक्स का जो कोप्रोक्सी क्लोराइड है उसका और अलसी का लेप लगा देना है। और वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं देखने के लिए, और यहाँ तक अभी आप पहुँच चुके हैं वीडियो के साथ, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रूनिंग करें। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करें, आपको उसका निवारण कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं।